हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिमीकंद की सब्जी बनाएंगे, इसे सूरन भी बोलते हैं। तो चलिए इसकी सब्जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम जिमीकंद लिया है, इसे रतालू भी बोलते हैं। और ये हमने इसको अच्छे से छीलकर और इसको धोकर और इसको देखिए काट लिया चौकोर पीसेस में, और इसका पानी पूरी तरह से सुखा लिया है। और इसके मसाले के लिए देखिए हमने तीन बड़े प्याज लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। 2 चम्मच धनिया पत्ता है बारीक काट कर, 2 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 इलायची, थोड़ा सा जीरा, और ये 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर और तेल सब्जी बनाने के लिए। अब हम अपनी तरफ कढ़ाई चढ़ा दिए देंगे और उसमें ये देखिए मैंने तेल डाल दिया है, और उसमें सारे जिमीकंद को इस तरह से हम लगा देंगे, इस तरह से उसको सजा कर और उसको फ्राई करेंगे हम। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ। और इसी तरह से हम सभी जिमीकंद को इसको पलट पलट कर हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ध्यान रखिएगा इसका फ्लेम मीडियम है, एकदम लो भी नहीं रखें, हाई भी नहीं रखें, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। इससे इसकी जो खुजलाहट थोड़ी रहती है सब्जी से आती है वो नहीं आएगी, और ये बहुत अच्छे भी लगते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इसी तरह से फ्राई करके आप एक करके सारे टुकड़े को हम लोग निकाल लेंगे तलकर। ये देखिए ये मैंने एक बार में इतने निकाल लिए, बाकी सब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जो तेल बचेगा उसी तेल में हम जीरा और हरी तेज़पत्ता, इलायची और मिर्च का इसमें एक तड़का लगाएंगे, और उसके बाद हम प्याज उसमें डालकर उसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम रखें और उसको कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को फ्राई करें, और उसमें हल्का सा नमक डाल दें ताकि हमारे प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। ये देखिए प्याज हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं, ये देख सकते हैं प्याज हमारे हो चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है, बस इतना ही करना है कि प्याज हमारे थोड़े से गल जाए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला छोड़ के सारे हम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है, सभी को अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें फ्लेम को मीडियम रखे हैं, मीडियम से लो फ्लेम पे इसको फ्राई करें, और इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको फ्राई करना है। अब इसमें देखिए जो जिमीकंद हमने जो फ्राई करके रखा था उसको भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसाले की सारी कोटिंग इसके ऊपर आ जाए। जिमीकंद की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप नॉनवेज नहीं पसंद करते हैं तो आप इस सब्जी को बनाकर खाइए, आपको नॉनवेज से भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसको ढककर हम ऐसे ही 1-2 बार ढक ढक कर इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे मसाले के साथ, ताकि सारे मसाले की कोटिंग इस पर आ जाए। और एक देखिए मैं पानी डाल दे रही हूँ, हमारा मसाला और जिमीकंद दोनों भून चुका है। आप ये देखिए 1 गिलास भर के मैंने पानी डाला है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार, और नमक डालकर इसको चलाकर हम लो फ्लेम पे इसको ढक कर पकाएंगे। 20 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी अब लगभग हो चुकी है। अब इसमें हम गरम मसाला डालकर इसको ढक कर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए ढक दिया हमने, और इसको जब 5 मिनट हो जाए तो इसमें अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट इन्हेंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और इससे इसमें बहुत इसकी जो खुजलाहट है अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो इसके कारण ये वो भी ख़त्म हो जाती है, तो इस प्रोसेस को ज़रूर आजमाएं। और ये देखिए इसमें अब धनिया पत्ता, गैस बंद कर दिया है हमने, और ये धनिया पत्ता मिलाकर इसको अब हम
चला लेंगे अच्छे से। और ये हमारी सब्ज़ी अब रेडी हो चुकी है। देखिए आपकी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, हमारी जिमीकंद की सब्ज़ी। आप किसी भी चीज़ का पूड़ी पराठे या सादी रोटी के साथ भी खाएं, बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।